नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। आज मैं दुनिया की एक सबसे महंगी शादी की खबर लेकर आपके बीच हूँ। ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, देश के एशिया के सबसे संपन्न उद्योगपति मुकेश अंबानी, उनके बेटे अनंत अंबानी की शादी कल राधिका मर्चेंट नाम की एक सुंदरी से हुई है। दोनों ही परिवार बड़े बड़े कारोबारी परिवार हैं। शादी का जश्न कई हफ्तों पहले से शुरू हो गया था, शायद कुछ महीने पहले से। भावनगर जहां से कि अंबानी परिवार आता है, वहां पे बड़े बड़े जलसे हुए, दुनिया भर के लोग आए थे उसमें। अगर मुझको ठीक से याद है तो मार्क जुकरबर्ग से लेकर बिल गेट्स तक ऐसे कई लोग वहाँ पहुँचे थे, और भी लोग पहुँचे थे। लिस्ट लंबी है। अंबानी के बेटे की शादी है तो कम मेहमान तो आएंगे नहीं। जो लालू यादव, राबड़ी देवी वहाँ से लेकर, तो कुछ एक ब्रिटेन के भूतपूर्व प्रधानमंत्री भी पहुँचे हुए हैं इसमें। बहुत लोग आए हुए हैं शादी में, बड़ा जलसा है। जहाँ पे ये कार्यक्रम हो रहा है उस पूरे इलाके को सार्वजनिक कार्यक्रम कहकर मुंबई की पुलिस ने वहाँ का ट्रैफिक बदल दिया है। सार्वजनिक कार्यक्रम, पुलिस का ये कहना है कि ये शादी सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं है, लेकिन इसमें दुनिया भर के जितने प्रमुख लोग आ रहे हैं, देश के प्रमुख नेता आ रहे हैं, प्रमुख उद्योगपति, फिल्मी सितारे, क्रिकेट खिलाड़ी आ रहे हैं, उसकी वजह से ये सार्वजनिक कार्यक्रम हो गया है। तो सार्वजनिक कार्यक्रम होने की वजह से वहाँ पर सड़कों का ट्रैफिक बंद करके इंतजाम दूसरा किया गया। ऐसा मुंबई में पहले नहीं हुआ था। किसी मुख्यमंत्री के परिवार में भी शादी हुई हो तो भी ऐसा नहीं हुआ था, ये पहला मौका है। लेकिन देश के इतने संपन्न उद्योगपति के परिवार की शादी का भी ये पहला ही मौका है। मैं तो बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं जानता हूँ। एक कुछ रिहाना नाम की एक सिंगर आई थी यहाँ पर, ऐसी खबरें थी कि 72 करोड़ रुपये उसको दिए गए थे। हालांकि लोग थोड़ा हैरान भी हुए थे जब मुकेश अंबानी ने बेटे की शादी में रिहाना को गाने के लिए बुलाया था, क्योंकि रिहाना ने एक समय किसान आंदोलन के समय किसानों के पक्ष में एक बयान दिया था जिसको मोदी सरकार के खिलाफ माना गया था ट्विटर पर, उनको बुलाया था। अब पूरे एशिया के सबसे संपन्न व्यक्ति के बेटे की शादी हो रही है तो छोटी तो हो भी नहीं सकती। कई लोगों का कहना है कि ये 4,000-5,000 करोड़ रुपए इस शादी में जो लग रहे हैं, कई लोग लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, लगातार लोग लिख रहे हैं कि 2-2 करोड़ रुपया 2500 अस्पतालों को मिल सकता था देश के, उनकी हालत सुधर गई रहती 2-2 करोड़ से। मेरा मानना है कि 5,000 करोड़ भी अगर शादी में लग रहे हैं तो भी इससे ज़्यादा पैसा और अंबानी परिवार दे सकता है इस मौके पर, खुशी के मौके पर। तो किसी को दान करने से, चैरिटी करने से, मदद करने से ये खर्च नहीं रोकता, और कौन नहीं करते हैं खर्च। मेरे जैसे मामूली हैसियत के व्यक्ति के घर पे बेटे की शादी हुई तो हमने भी 700-800 लोगों की एक दावत रखी थी, खर्च किया था उस पर। कोई मुझको भी कह सकता था कि आप इतना खर्च अगर नहीं करते तो एक अनाथाश्रम के बच्चों का 1 साल का 2 साल का 3 साल का खर्च निकल गया रहता। जिसकी जितनी क्षमता रहती है उससे ज़्यादा बढ़ के लोग अपनी दावतों में खर्च करते हैं। लोगों का कहना है कि अंबानी, मुकेश अंबानी अपने बेटे की शादी में जितना खर्च कर रहे हैं वो उनकी हैसियत के मुकाबले अभी भी कम है। लोग, आम हैसियत के लोग जो हैं, अपने बेटे बेटी की शादी में जो खर्च करते हैं वो अपनी क्षमता से आगे बढ़ के खर्च करते हैं, कर्ज लेकर खर्च करते हैं। मुकेश अंबानी को तो इसके लिए कर्ज नहीं लेना पड़ा होगा, उनकी जो दौलत है उसके शायद 1% से ही ये पूरा का पूरा जलसा हो रहा होगा। हम में से हर कोई अपनी, अपने परिवार की शादी में जो खर्च करते हैं उसका अनुपात तो 1% से ज़्यादा रहता है। किसी के पास 100 करोड़ की दौलत अगर है
तो 1 करोड़ से तो ज़्यादा ही खर्च करते होंगे ऐसे लोग। लेकिन मैं इस खर्च के मुद्दे पर, अकेले इसी मुद्दे पर बात करने यहाँ नहीं खड़ा हूँ। मैं इस पे भी देख रहा हूँ कि जो अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट, इनकी जो शादी कल हुई है, गुजराती परिवार है तो डांडिया तो होता ही है। मैं तो एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशनों पर देखता हूँ गुजराती तीर्थयात्री कहीं जा रहे हैं और फ्लाइट में 1 घंटे की लेट है, देर है, तो वो एयरपोर्ट के लाउंज में डांडिया करने लगते हैं। वो सभी जगह डांडिया करते हैं, वो जहाँ उनको मौका मिले। मुझको लगता है कि कश्मीर में डल झील अकेली ऐसी जगह रहती होगी जिसमें जो हाउस बोट चलती हैं या जो नावें चलती हैं वहाँ पे, वो इतनी चौड़ी नहीं रहती कि उस पर डांडिया कर सके। नहीं तो गुजराती वहाँ भी करते डांडिया। तो ये जो डांडिया हो रहा है, इस डांडिया में मुझको राधिका मर्चेंट की जो तस्वीर दिख रही है, सभी जगह है, खुद उनके सोशल मीडिया पेज पर या इंस्टाग्राम पेज पर भी है, इसमें मुझको दिख रहा है कि जो घाघरा है, खूबसूरत तो रहेंगे ही कपड़े, क्यों नहीं रहेंगे। मामूली हैसियत के लोग भी अपने बच्चों के लिए खूबसूरत कपड़े सिलवाते हैं शादियों के लिए। ये जो घाघरा है, इस घाघरा पे राधिका के घुटनों के करीब, घुटनों के आसपास, घुटने के नीचे श्रीनाथ जी की तस्वीर कसीदे से बनी हुई दिख रही है। श्रीनाथ जी यानी जो राजस्थान का एक सबसे बड़ा तीर्थ है नाथद्वारा, जो कृष्ण का ही एक अवतार या कृष्ण का ही एक रूप माना जाता है। श्रीनाथ जी को अंबानी परिवार की मान्यता है वहाँ की, वो जाते रहता है परिवार वहाँ नाथद्वारा में। तो राधिका के घाघरे पर मुझको चारों तरफ श्रीनाथ जी की तस्वीरें बनाई हुई दिख रही हैं कसीदे से। बहुत खूबसूरत पोशाक है, शादी पे खूबसूरत जोड़ा नहीं रहेगा तो और कब रहेगा। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि किसी भगवान की, किसी ईश्वर की तस्वीर अगर मान लीजिए किसी और ने पहनी होती अपने घाघरे पर, घुटनों के पास तस्वीर रहती भगवान की, तो क्या हुआ रहता इस देश में? बवाल नहीं हुआ रहता? धार्मिक भावनाएं लोगों की, लाखों लोगों की धार्मिक भावनाएं, उनको ठेस नहीं लगी होती? अगर कांग्रेस पार्टी के किसी नेता की बेटी अगर ऐसे कपड़े पहन लेती, मान लीजिए प्रियंका गांधी ही ऐसे कपड़े पहन लेती, तो क्या क्या नहीं सुनना पड़ता सोशल मीडिया पर। माँ इटालियन है तो ऐसा हो रहा है, माँ ईसाई धर्म की है तो ऐसा हो रहा है, खुद की शादी ईसाई से हुई है तो ऐसा हो रहा है। प्रियंका का ही नहीं, कोई भी और अगर ऐसे कपड़े पहनते तो क्या सुनने मिलता लोगों को? कितने करोड़ लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो जाती, दसियों लाख लोग ट्विटर पर ट्रोल करने लगते, खिलाफ लिखने लगते, 2-4 लोग पहुंच जा गए रहते धार्मिक भावनाओं को आहत लगाने के, आहत करने के जुर्म में इनके ऊपर एक FIR दर्ज की जाए, इसके लिए भी लोग पहुंच चुके रहते। कल ये फोटो देखकर इसी का प्रिंट लेकर, पेन ड्राइव पे सॉफ्ट कॉपी लेकर चले गए रहते रिपोर्ट लिखाने के लिए। मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ, मेरी दरअसल कोई धार्मिक भावनाएं हैं भी नहीं, मैं किसी की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने के खिलाफ हूँ, लेकिन मेरी कोई धार्मिक भावनाएं हैं भी नहीं, मैं नास्तिक व्यक्ति हूँ। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि राधिका मर्चेंट का घाघरा जो है, आपको दिखाएंगे अभी हम फोटो में, ये घाघरा अगर किसी और ने पहना होता जो कि हिंदुस्तान के एक तबके को नापसंद होता, मुकेश अंबानी नापसंद नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद आज जा रहे हैं रिसेप्शन में शादी के, मुकेश अंबानी इस तबके को इतना नापसंद नहीं है जिसकी धार्मिक भावनाएं एक पैर पे खड़े रहती हैं आहत होने के लिए। क्या हुआ रहता मैं सोच रहा हूँ, मुझको कुछ बुरा नहीं लगता। मैं तो देखता हूँ लोग ऐसा गले में क्रॉस पहनते हैं, किसी धर्म के लोग कड़ा पहनते हैं, अलग अलग धर्मों के प्रतीक लोग पहनते हैं। मैं देखता हूँ हिंदुस्तान में आने वाले पर्यटक बहुत सारे ऐसे हैं जो ध्यानमग्न बुद्ध की फोटो वाले टी शर्ट पहन लेते हैं,
अब मैं सोचता हूँ बदन के ऊपर टी शर्ट पहनने से ध्यान मग्न बुद्ध जो हैं उनको क्या लगता होगा, ऐसा ऐसा पहन के घूमते हैं लोग। शंकर पार्वती गणेश ऐसे बहुत सारे देवताओं के टी शर्ट पहन लेते हैं लोग, हिप्पी लोग भी पहन लेते हैं, विदेशी पर्यटक भी पहन लेते हैं, देशी पर्यटक भी पहन लेते हैं। मुझको ऐसा दिखा नहीं है कि किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हों, लोग गए हों कि टी शर्ट पर देवी देवता के फोटो न छापे जाएं, ऐसा मुझको तो याद नहीं पड़ता है। फिर ये तो घाघरा है घुटने के लेवल पर, घुटने के आसपास श्रीनाथ जी की कसीदे से बनाई गई तस्वीरें चारों तरफ हैं। क्या करना चाहिए था, इससे धार्मिक भावनाएं आहत होनी चाहिए थी कि नहीं? मैं भड़काने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मेरे हिसाब से लोगों को जश्न मनाने देना चाहिए। श्रीनाथ जी को भी बहुत बुरा नहीं लगा होगा, एशिया के सबसे बड़े व्यक्ति की बहू बनने जा रही है, उनके घाघरे पर ऐसी फोटो बनी हुई है, मुझको नहीं लगता श्रीनाथ जी को बुरा लगा होगा। मैं इनके बारे में ज़्यादा इसलिए जानता हूँ कि मेरे माता पिता के वक्त से मेरे परिवार के बाकी लोग, मुझको छोड़कर बाकी लोग आस्तिक हैं, वो लोग श्रीनाथ जी को मानते हैं। छत्तीसगढ़ में उनका एक बड़ा तीर्थ भी है चंपारण में, देश भर से लोग वहाँ पे आते हैं, इसलिए मुझको थोड़ी बहुत जानकारी है, इसलिए मैं नाम को सम्मान के साथ ले भी पा रहा हूँ। बुद्ध को तो मैंने बुद्ध कह दिया, मैंने महात्मा वगैरह नहीं जोड़ा। क्या होना चाहिए था इसको लेकर अगर कोई दूसरे पार्टी के लोग रहते, मान लीजिए समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव की पत्नी अगर ऐसा घाघरा पहनकर चली गई रहती इस शादी की दावत में, इसी शादी की दावत में, तो मुझको लगता है दसियों हजार लोगों की धार्मिक भावना कम से कम ट्विटर पर, जिसका नाम अब एक्स हो गया है, उसमें तो भड़क गई रहती धार्मिक भावनाएं। मैं नहीं चाह रहा हूँ भड़काना, मेरे हिसाब से कोई ऐसी धार्मिक भावनाएं इतनी नाजुक नहीं रहना चाहिए, कोई धर्म बात बात पे खतरे में नहीं आ जाना चाहिए। आज देश में हिंदुत्व की सबसे बड़ी पैरोकार सरकार है, इसके बाद अगर छोटी छोटी बातों पे हिंदू धर्म खतरे में आ जाएगा तो ये अच्छी बात नहीं रहेगी। अटल जी रहते तो कहते ये अच्छी बात नहीं है ऐसा। लेकिन मैं कुछ दूसरी बातों पे भी कहना चाहता हूँ। अंबानी से मेरा कोई प्रेम नहीं है, मेरी कभी की मुलाकात भी नहीं है, कुछ मेरे अखबार को भी अंबानी से कोई इश्तहार नहीं आते हैं, हमारी वेबसाइट को यूट्यूब चैनल को भी नहीं आते हैं इश्तहार, मुझको इस शादी का न्योता भी नहीं मिला है। लेकिन मैं सोशल मीडिया पर कुछ लोगों का आक्रामक तेवर देखकर थोड़ा हैरान हूँ। ऐसे लोग जो मेरे दोस्तों की फेहरिस्त में भी हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, उन्हीं की पोस्ट मुझको दिखती है, बहुत सारे नए लोगों की पोस्ट तो नहीं दिखती है। मैं देखकर हैरान हूँ कि कुछ लोग अनंत अंबानी की कदकाठी को लेकर उसको छोटा हाथी लिख रहे हैं, कुछ लोग गेंडा लिख रहे हैं, कई तरह की बातें लिख रहे हैं। मुझको लगता है कि किसी के शरीर का आकार कैसा है ये किसी की टिप्पणी की चीज़ नहीं रहनी चाहिए, वो किसी मॉडलिंग के प्रोफेशन में नहीं है। हर एक की कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, मेरे ही दांत आड़े तिरछे हैं, किसी का एक पैर एक हाथ खराब हो सकता है, किसी की आंखें खराब हो सकती है, किसी को मोटापे की एक बीमारी हो सकती है, ये खिल्ली उड़ाने की बात नहीं है। कुछ लोगों को लग सकता है पैसे का बहुत अश्लील और हिंसक प्रदर्शन हो रहा है, मुझको लगता है कहाँ पे नहीं होता है। मैंने तो अपने शहर में देखी है शादियाँ, किसी नेता के यहाँ शादी में 30,000 लोगों का अंदाज था, 30,000 लोग आए, पूरे देश भर से लोग आए थे उसमें। अब मुकेश अंबानी बड़े बहुत बड़े कारोबारी हैं, उनका हर पार्टी के नेताओं से चंदे का लेना देना भी रहा होगा। एक किसी ने कहा था कुछ अर्सा पहले, मुझको ठीक से याद नहीं है, ऑटो रिक्शा में भर के पैसा पहुंचाया था क्या ऐसा मुकेश अंबानी ने? मुझको नहीं लगता मुकेश अंबानी
ऑटो रिक्शा में पैसा भेजेंगे, उनके यहाँ तो गाड़ियाँ ही हजार होंगी अकेले मुंबई में, उनकी परिवार के लिए 200-400 गाड़ियाँ होंगी, वो क्यों ऑटो रिक्शा में किसी को पैसा भेजेंगे? कार भर के भेज सकते हैं वो पैसा, जिसके पास इतना पैसा है वो कहाँ खर्च करेंगे। नरेंद्र मोदी ने कहा था कुछ अर्सा पहले कि हिंदुस्तान के संपन्न लोगों से उनकी अपील है कि डेस्टिनेशन मैरिज पे देश के बाहर जाके कुछ करने की बजाय देश में करना चाहिए, ताकि यहाँ का कारोबार आगे बढ़े। मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, किसी को खर्च करना है तो करें, पैसा है उनके पास तो खर्च कर रहे हैं। हालांकि अंबानी लोगों ने कुछ कार्यक्रम इटली जाके भी किए थे, मैंने उस वक्त पढ़ा था समाचार तो मैं हक्का बक्का रह गया था। इटली के जिस शहर में या कस्बे में अंबानी परिवार का शादी का कार्यक्रम हुआ था, प्री वेडिंग कहते हैं उसको, वो हुआ था कार्यक्रम, तो उसमें ये था कि इतने बजे दोपहर के बाद से रात तक उस शहर के निवासी जो हैं वो अपने घरों से बाहर नहीं निकलेंगे, लॉकडाउन रहेगा सबके लिए, सड़कों पे केवल अंबानी के मेहमान निकलेंगे, वो जो चाहे जिस गिफ्ट शॉप में चाहे वहाँ जा सकेंगे, वहाँ से जो चाहे ले सकेंगे, कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, जिस बार में रेस्तरा में चाहे वहाँ जाके खा सकेंगे, कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मुफ्त में है, मेहमानों को नहीं देना पड़ेगा, अंबानी तो चुकाएंगे ही पैसा। मैं हक्का बक्का था, मैं दुनिया में जाता हूँ तो मैं किसी इमारत के भीतर जाने के बजाय फुटपाथ पे लोगों से मिलता हूँ, बात करता हूँ, लोग मुझको अच्छे लगते हैं, इंसान अच्छे लगते हैं मुझको, मेरी बहुत सारी दोस्ती फुटपाथों पे हुई है दुनिया भर में लोगों से। मुझको अजीब भी लगा कि अंबानी के मेहमान इटली के उस कस्बे या शहर में जाकर सुनसान सड़कों को देखेंगे, सुनसान दुकानों को देखेंगे, केवल एक दूसरे से मिल पाएंगे, अटपटी बात है। मैं रहता मुकेश भाई का मेहमान तो मैं कहता मुकेश भाई थोड़ा सा जब वहाँ लोगों का लॉकडाउन चालू हो जाए, स्थानीय लोगों का, उसके पहले 2-4 घंटे मुझको मिलने की छूट दे देना, मैं लोगों से बात करना चाहूँगा। तो कई किस्म की अटपटी चीज़ें भी हुई हैं। अभी मैंने सुना है कोई एक आया है, एक सिंगर जस्टिन बीबर या ऐसा कुछ नाम है, मैं नाम गलत ले सकता हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं जानता हूँ, वो आया है, उसने भी दसियों करोड़ रुपए लिए होंगे आने के लिए, दुनिया का एक सबसे बड़ा सिंगर माना जाता है और बड़े उटपटांग किस्म के उसमें रहता है, वो खुले बदन रहता है, नीचे एक पजामे टाइप का कुछ पहन लेता है, जीन्स को धारीदार चड्डी जो कि हिंदुस्तान की परंपरागत डिजाइन है गरीबों की, एकदम गरीब तो नहीं पहनते, मध्यम वर्गीय लोग पहनते थे, तो वैसी धारीदार चड्डी पहने रहता है वो अपने जीन्स या पजामे के नीचे, आधी खिसकी रहती है, आधी चड्डी दिखती है, उसके नीचे फिर पजामा दिखता है, बदन खुला रहता है ऊपर का उसका। गाता कैसा है मैं नहीं जानता, मैंने कभी सुना नहीं है। वो भी आया था, उसकी फ़ोटो भी मैंने देखी, अनंत अंबानी, राधिका मर्चेंट, इन लोगों के साथ में परफॉर्म भी किया होगा, गाया भी होगा उसने। पैसा जिसके पास है वो दसियों करोड़ रुपए देकर बाहर से सिंगर को बुला रहे हैं, वो जिस अंदाज में आ रहा है उसमें हिंदुस्तान का कोई थानेदार अगर चाहता तो नग्नता और अश्लीलता का मुकदमा भी दर्ज कर सकता था। 12 इंच करीब चड्डी जिसकी दिख रही हो उतना नीचे लटका हुआ है जीन्स या पजामा उसका, ऊपर बदन खुला हुआ है, चड्डी 12 इंच दिख रही है, तो इस पे तो सार्वजनिक जगह पर अश्लीलता का जुर्म दर्ज हो सकता था, लेकिन ये मुकेश भाई का मेहमान था, बहुत बड़ा सिंगर था वो, रहते हैं कई लोग ऐसे भी रह सकते हैं। उसके साथ अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की फ़ोटो में भी लोगों ने भद्दी भद्दी टिप्पणियाँ लिखी है, मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ। हमारा तो देश है जहाँ धर्म से जुड़े हुए कई लोग बिल्कुल बिना कपड़ों के रहते हैं, बिना एक धागे के भी रहते हैं, कुछ लोग भभूत मल लेते हैं, कुछ लोग बिना भभूत के भी रहते हैं, तो ये तो हिंदुस्तान में सभी तरह का चलन है, कपड़ों का, बिना कपड़ों का, सबका। ये जस्टिन बीवर या नाम का जो भी नाम है उसका इससे मिलता जुलता।
वो तो कम से कम आधी चड्डी दिखा रहा है, नीचे का पजामा या जीन्स दिखा रहा है, खुले बदन है, तो उतना नंगा भी नहीं है वो कि उसके ऊपर अश्लीलता का जुर्म दर्ज किया जाए। फिर यह है भाई, एशिया के सबसे रईस आदमी अंबानी के यहाँ की शादी है, किस पुलिस वाले की इतनी हिम्मत है कि उसके ऊपर जुर्म दर्ज कर ले। फिर अश्लीलता तो देखने वालों की नजरों में रहती है। तो मैं कुल मिलाकर ये कहना चाह रहा हूं कि ये शादी को लेकर जितने किस्म से विरोध हो रहा है, मैं तो उस विरोध को समझ नहीं पाता हूं। पैसे वाले लोग जो हैं वो हमेशा ही से खर्च करते हैं। सोशल मीडिया पर कुछ जिम्मेदार लोगों ने भी लिखा है ये कि ये जितना खर्च कर रहा है मुकेश अंबानी अपने बेटे के शादी में, वो तो अनुपात में कम खर्च है, उनकी ताकत तो और ज़्यादा खर्च करने की थी। हिंदुस्तान डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ मुमकिन नहीं है, वरना वो पूरे मुंबई की भी एक बार लॉकडाउन करवा के और सबको पैसा देने का बाजार को इतना भी कर सकते थे, इतनी क्षमता है, लेकिन यहाँ हो नहीं पाया है। मैं राधिका मर्चेंट के घाघरे पे श्रीनाथ जी की तस्वीर के मैं तो खिलाफ नहीं हूँ। जितने लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं उनके लिए अभी देश में 3 नए कानून हैं, उनको जो लगे करें। मुझको ऐसे लगता है कि चाहे श्लीलता या अश्लीलता का मुद्दा हो, चाहे धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने का मुद्दा हो, दुनिया आज भी जिसकी लाठी उसकी भैंस इसी अंदाज पे चलती है। पैसे वाले जो हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, यही दुनिया का रिवाज है। जिसके हाथ में लाठी रहती है, जैसे आज इसराइल के हाथ में, तो पूरे फिलिस्तीन को रोज 2-4 दर्जन लोगों को मार देता है वहाँ, रोज 2-4 दर्जन से कम किसी दिन लोगों को नहीं मारता वो, उसके हाथ में लाठी है। उसके ऊपर जिस गुंडे का हाथ है अमेरिका का, उसके हाथ दुनिया की सबसे बड़ी लाठी है। ये दोनों लाठियां मिलकर ये श्मशान में एक किस्म से डांडिया कर रहे हैं ये दोनों देश, और लोगों को मार रहे हैं, लाशों का मजा ले रहे हैं। जिसके हाथ में जितना पैसा रहता है, जितनी ताकत रहती है, जितनी फौज रहती है, वो ऐसा कर सकते हैं। रूस जो है बगल के यूक्रेन में घुसकर उसको मार सकता है। अभी कल परसों ही शायद मोदी वहाँ पे मास्को में थे, पुतिन से गले मिल रहे थे, आपने देखा होगा, शायद उसी दिन की बात है। यूक्रेन के अस्पतालों पे हमला हुआ रूसी फौजों का, और 30-35, 40-45 ऐसे कुछ लोग मरे होंगे, मैं तो अब गिनती भी भूल गया हूँ। कितना गिनूं मैं, थोक में थे, दर्जनों में थे, छोटे छोटे बच्चे और अस्पताल के मरीज मारे गए थे रूसी हमले में। मोदी जी ने बात जरूर की होगी पुतिन से, थे वहाँ पे, गले मिले थे, तो शायद औपचारिक चर्चा में तो सामने नहीं आया कि उन्होंने यूक्रेन के इस हमले और मौतों के बारे में कुछ कहा हो, लेकिन गले मिले उस वक्त भी कान में बोल सकते हैं कि पुतिन भाई ये ठीक नहीं है, ऐसा कुछ कहा होगा उन्होंने। तो ये ताकत जो है, उस ताकत के चलते हुए अंबानी की बहू के घाघरे पर श्रीनाथ जी की फोटो आ सकती है, पूरे चारों तरफ है, और किसी की धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होती। जो छोटा गांव रहता है ना, वहाँ जो जमींदार साहब रहते हैं, जमींदार साहब की किसी बात से गांव की धार्मिक भावनाएं आहत नहीं हो पाती। कुछ ऐसा ही है मुकेश अंबानी का। मुकेश अंबानी देश के सबसे बड़े जमींदार, सबसे बड़े जागीरदार, नगर सेठ, देश सेठ, एक अलग दर्जा है देश सेठ। तो उनकी बहू के घाघरे पर किसी ईश्वर की फोटो आने से मुझको नहीं लगता कि उस धर्म के ईश्वर के मानने वाले लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत होने का कोई हक है। कोई गरीब का घाघरा रहता तो अभी तक FIR हो सकती थी, 100-200 जगह कुछ हो सकता था। इतनी बड़ी शादी मुझको देखने नहीं मिली, मुझको न्योता भी मिलता तो भी शायद मेरी वहाँ जाने की हालत नहीं रहती। मुझको मलाल भी नहीं है कोई की ऐसी जगह। कोई कह रहा था खबर में कि 2500 तरह की खाने की चीज़ें थी, तो मेरी अभी वैसे भी बहुत शाही दावतों में खाने की दिलचस्पी ख़त्म हो गई है, तो मैं
न्योता मिलने पे भी पता नहीं कार्ड को टेबल पे रख लेता, आते जाते लोग देखते, गया नहीं रहता शादी में। ये तो फोटो की मेहरबानी है, इंस्टाग्राम और सब जगह फोटो, 10-20 जगह मैंने ये फोटो देख लिए तब माना है कि ये पुख्ता फोटो है, नहीं तो फोटोशॉप से आप किसी की भी फोटो कहीं भी डाल सकते हैं। तो ये पुख्ता फोटो है, ये लोग डांडिया रास डांडिया करते हुए दिख रहे हैं, खुशी की बात है, अच्छा मौका है। अपनी धार्मिक भावनाएं किसी को भी इतनी नाजुक, इतनी संवेदनशील नहीं बनानी चाहिए कि एक घाघरे पर एक ईश्वर की फ़ोटो से वो आहत हो जाए या एक टी शर्ट पर किसी की फ़ोटो से आहत हो जाए। मुझको अंबानी से कुछ मिला नहीं है, मिठाई भी नहीं मिली है, कोई कार्ड भी मेरे पास नहीं आया है, लेकिन मुझको नाजायज बातें जो लिखते हैं सोशल मीडिया पर, उनके बेटे को कोई गेंडा लिख रहा है, कोई हाथी लिख रहा है, मैं उसके बारे में भी कहना चाहता हूँ। हर किसी के शरीर की अपनी दिक्कतें हो सकती हैं, कुछ मजबूरियां हो सकती हैं, किसी की शारीरिक दिक्कत को खिल्ली नहीं उड़ाना चाहिए। मैं रामदेव की एक आंख अगर ठीक से नहीं खुलती है तो मैं उसकी कभी खिल्ली नहीं उड़ाता। कोई और है जिनके साथ ऐसी दिक्कत है तो मैं किसी की खिल्ली नहीं उड़ाता। तो मैं आज बस इतना ही कहने को यहाँ आया हूँ कि शादी की खबरें, अब शायद 2-4 दिन में तस्वीरें वगैरह भी सब आके ख़त्म हो जाएगी, शादी भी खत्म हो चुकी है, कल हो चुकी है, आज रिसेप्शन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित बहुत सारे लोग जाएंगे, मुकेश अंबानी, शायद सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी को भी न्योता देने के लिए गए थे, हो सकता है उस परिवार से भी कोई लोग पहुँचे, लोकतंत्र है, मुकेश अंबानी कोई मुजरिम तो है नहीं, संपन्न व्यक्ति है। तो मैं किसी की संपन्नता के खिलाफ नहीं हूँ, मैं संपन्नता के प्रदर्शन के खिलाफ नहीं हूँ। छोटे छोटे लोग भी कर्ज लेकर भी शादी की दावत करते हैं इस तरह से, मेरी धार्मिक भावनाएं भी आहत नहीं हो रही हैं इससे। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखा है, मैं किस्मत से उनको जवाब दे रहा हूँ। मैं किसी की कदकाठी के भी खिलाफ हूँ उस पर टिप्पणी करने के, अंग्रेजी में इसको बॉडी शेमिंग कहते हैं, किसी के बदन को लेकर उसको शर्म सार करना, मैं उसके भी खिलाफ हूँ। किसी को ऐसी खिल्ली नहीं उड़ाना चाहिए। आपको न्योता ना भी मिला हो शादी का तो दूर रहकर आप खुश रह सकते हैं। बहुत सारे लोग, हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग इस बात को लेकर फिक्रमंद हैं कि अंबानी की मोबाइल कंपनी जियो ने अपने रेट जो है एकदम से आसमान पे पहुंचा दिए हैं। अगर इस शादी का खर्च उठाने के लिए ऐसा किया गया है, मुकेश भाई को सोचना चाहिए थोड़ा। देश के बहुत सारे गरीब हैं जिनको अफीम की लत जैसी लत लग गई है, गांजे की लत जैसी लत लग गई है, जियो का डेटा पैक यूज़ करने का। घर में आटा रहे ना रहे, फ़ोन पे डाटा रहना चाहिए, ऐसी हालत है देश के लोगों की। आपको बढ़वाना था तो आटा वाटा का रेट बढ़वा देते मुकेश भाई, डाटा का रेट क्यों इतना बढ़ा दिया एकदम से। खुशी का मौका है इसमें तो ये कहना था कि हर एक को 100-100 GB मुफ्त एक साल यूज़ करना। बड़े लोगों के यहाँ जब शादी ब्याह होती थी तो राजा ऐसे ही करते थे, गले से हार निकाल के फेंक देते थे, प्रजा के लिए कहते थे कि 7 दिन खाना पीना मुफ्त रहेगा। आप आटा तो हर एक के घर नहीं भेज, हालांकि अभी रिलायंस के स्टोर हो गए हैं पूरे देश में, आप आटा भी भेज सकते थे सबको मुफ्त, नहीं भेजा कोई बात नहीं, डाटा मुफ्त भेज देते तो डाटा का दाम आपने आसमान पे पहुंचा दिया। लोग बड़े निराश हैं उसको लेकर, लोगों का कहना है कि शादी के खर्च को उठाने के लिए आपने ये किया है, हालांकि मैं इस बात को नहीं मानता। आपके पास श्रीनाथ जी का दिया हुआ इतना है कि आप शादी के खर्च के लिए थोड़ी रेट बढ़ाओगे। आपकी अगुवाई में देश की सभी प्राइवेट मोबाइल कंपनियों ने एक साथ रेट बढ़ा दिए, जैसे छत्तीसगढ़ में सीमेंट का रेट कार्टेल बना के एक साथ बढ़ता है, सरकार की सहमति से बढ़ता है, सरकार के कहे हुए भी बढ़ता है, कई बार चुनाव उनाव जब सामने रहते हैं तब बढ़ता है। अभी क्या वजह है कि आपने, आपकी अगुवाई में मुकेश भाई, सारी मोबाइल कंपनियों ने एक साथ मोबाइल सर्विस का रेट बढ़ा दिया है, डाटा का रेट बढ़ा दिया है, आटा का पहले से बढ़ा हुआ है।
ऐसे में जो लोग ना आटा खा पा रहे हैं ना डाटा जिनके पास रह गया है, उनको आपके यहाँ की दावत थोड़ी ज़्यादा खटक रही है। 2500 पकवान है ऐसा लोग पढ़ रहे हैं, तो खटक रहा है लोगों को ज़रा। खुशी के मौके पे 100-100 GB डाटा आप सबको अगर दे देते, मेरे पास भी जियो का एक नंबर है, 100 GB डाटा आपको सबको मुफ्त में देना चाहिए था हर किसी को शादी के खुशी के मौके पर। दुआ लगती, मैं बता रहा हूँ आपको, आपके बेटा बहू को दुआ मिलती करोड़ों लोगों की। आदि हो गए हैं सब, माँ बाप फिक्र करते बैठे रहते हैं कि घर में आटा नहीं है, बेटा जो है इस बात पे खुश रहता है कि डाटा है अभी मोबाइल पर। देश को आपने ऐसा बना दिया है, इतना संपन्न बना दिया है, डाटा सहित आटा रहित है। आटा रहित देश पहले से था, आप जिम्मेदार नहीं हो उसके। आटा रहित देश में आपने डाटा सहित पूरी की पूरी पीढ़ी खड़ी कर दी है, आधी आबादी। अभी तो बूढ़े लोग भी मुझको दिखते हैं, वो कुछ व्हाट्सएप और कुछ ऐसा वीडियो डाउनलोड करते हुए दिखते हैं। ये थोड़ा सा आपको नहीं करना था, मैं आखिरी में थोड़ा कड़वी बात आखिरी में कह रहा हूँ आपको। तो इस शादी की खुशी के मौके पर मेरे जैसे तमाम लोगों को, करोड़ों लोगों को 100-100 GB डाटा मुफ्त में देना था हर दिन, शादी के हर दिन। जितने समय जलसा चला, इटली में चला, जामनगर में चला, मुंबई में चला, हर दिन। आज सगाई, आज रिंग सेरेमनी पे 10 GB डाटा हर जियो ग्राहक को फ्री। मैं बता रहा हूँ आपको, गरीब की दुआ में बड़ा असर रहता है। आप रेट बढ़ाकर डाटा का आपने पैसा तो बना लिया, हो सकता है शादी का पूरा खर्च भी निकल जाए, लेकिन पैसे के बजाय अगर आप दुआ लेते गरीबों की तो ज़्यादा अच्छा रहता। करोड़ों लोग हैं जिनके लिए ये आपका दिया हुआ डाटा मायने रखता है। अब बहुत पैसा बहुत लग रहा है। मेरे ऑफिस के कुछ लोग हैं जिनकी तनख्वाह कम है, वो लोग फिक्रमंद थे कि डाटा पैक महंगा हो गया है, कैसा करें, रिन्यू कराना है इस महीने, कैसा करें। आप फिर सोचिएगा इस बारे में, ये मौका परिवार की खुशी का है, देश पूरा परिवार है आपका, पूरे देश को अपना परिवार मान के आपको ये डाटा पे आपने जो लगाया है। मिठाई तो आप सबको भेज नहीं सकते, मुझको भी नहीं मिल पाई है मिठाई कोई, लेकिन आपको डाटा लोगों को भेजना चाहिए। आटा ना भेजें भले, आटा तो मोदी जी को ठीक लगेगा भेजेंगे, नहीं ठीक लगेगा नहीं मिलेगा। डाटा आपको फ्री करना चाहिए, 100 GB कम से कम साल भर में, हर महीने 4-4 GB, 10-10 GB डाटा फ्री, और जो रेट बढ़ा है उसको कम करना चाहिए। घर में जब खुशी रहे तो लोगों की दुआ लेनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। पता नहीं धीरू भाई अंबानी आपको ये समझा के गए हैं कि नहीं, कि खुशी के मौके पे लोगों की दुआ लो। मेरा ऐसा मानना है कि उन्होंने आपको ये बात समझाई होगी कि परिवार में जब खुशी हो तो लोगों की दुआ लेनी चाहिए। महंगा डाटा से दुआ निकल नहीं रही है लोगों के मन से, आ रही है, गले तक आके रुक जा रही है, बाहर नहीं निकल पा रही। सोच के देखिएगा, मेरी सलाह आप मानेंगे तो करोड़ों लोगों की दुआ मिलेगी इस नए जोड़े को। फिर मिलेंगे, आपको अगर मेरी ये बात अच्छी लगती है, मेरा ये एडिटोरियल मोनोलॉग है, मैं अकेले बोलते चले जाता हूँ, आपको अगर अच्छा लगता है तो आप हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपको ये बातें कैसी लगी, अपने दोस्तों को भेजिएगा। मेरा मानना है कि देश में दसियों करोड़ लोगों के पास कोई ना कोई डेटा पैक है, डाटा पैक है, उनको भेजिएगा कि उनको ये मेरा आखिरी का तर्क कैसा लगा। क्या सच में मुकेश अंबानी को डाटा पैक फ्री करना चाहिए कुछ महीने के लिए, शादी के मौके पर, खुशी के मौके पर? सोच के देखिएगा। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, और अभी 2-4 दिन पहले ही देखा मैंने, एक न्यूज़ आई है, कहीं शादी से लौटते हुए मोटरसाइकिल सवार कुछ लोग किसी गाड़ी के नीचे आके मर गए, हेलमेट नहीं लगाए हुए थे। मैं थक जाता हूँ बोलते बोलते कि दोपहिए पर अगर आप चल रहे हैं तो 2 ही लोग रहिए, 3 मत रहिए, जिंदगी खतरे में रहती है। और हेलमेट लगा कर रखिए, हेलमेट का बेल्ट बांध कर रखिए। आज सवेरे ही मैंने 2-3 स्कूली बच्चों को देखा है, कम उम्र के थे, लाइसेंस नहीं होगा उनके पास, स्कूटर दौड़ा रहे थे और सिर पे ढक्कन की तरह हेलमेट रखा हुआ था,
बेल्ट भी नहीं लगा हुआ था। तो मेहरबानी कीजिए अपने माँ बाप के ऊपर, अपने खुद की ज़िंदगी के ऊपर। एक बार सिर पे चोट लग जाती है, कई लोग कोमा में पड़े रहते हैं बरसों तक, परिवार बिक जाता है पूरा। ऐसी नौबत मत आने दीजिए। बिना हेलमेट के टू व्हीलर पर मत चलिए। फिर मिलेंगे।